सो गाइस, कैसे हैं आप लोग। आज का वीडियो स्टार्ट होता है मेरे चित्रा आने से ड्यू टू सम वर्क। भाई ऑफिस का भी काम रहता है, ऐसा बात नहीं कि सिर्फ वीडियो ही बनाता हूँ मैं। इसके अलावा एक और काम था लेकिन वो काम हो नहीं पाया। अब हो नहीं पाया और जब तक मुझे पता चला कि ये काम होगा नहीं तब तक हो चुका था दोपहर। अब लगा था बहुत जोर से भूख और उस वक्त मुझे कौन भेटा गया वो देखिए। इतना देर मेहनत करने के बाद अब बहुत जोर से लग चुकी है भूख। अच्छा हम लोग आ चुके हैं कहाँ पे, वैसे बता दो कौन भेटा गया है मेरा दोस्त। अरे भेटा गया मतलब क्या, भेट तो होता है, हमेशा होते रहते हैं भेट। मेरे बगैर इसका काम नहीं चलने वाला भाई। अरे इतना बढ़िया सिनेमाटोग्राफर सिर्फ मतलब क्या मतलब बहुत कम है आसान से इसलिए। अरे बाप रे बाप, इतना इतना बड़ा बड़ा बात बोल देता है देसी भूख के, देसी बॉम्ब के नाम पे, देसी बॉम्ब के मुंह से इतना बड़ा बड़ा बात निकल जाता है। आज का दिन ही खराब है, सुबह से जो काम करने आए थे वो भी काम नहीं हुआ और इधर बात भी ढंग से निकल पा रहा। पता नहीं कि मैं हकला रहा हूँ आज। चलिए ज्यादा बकवास ना करके वीडियो को शुरू करते हैं। बहुत खाना पीना होने वाला, बहुत मजा मस्ती होने वाला, वीडियो लास्ट तक जरूर देखिए एंड चलिए स्टार्ट करते हैं, सिनेमैटिक देख लीजिए। ओ मेरे रांझे बता दे मेरी गड़बड़ी, कर ले मुखबरी ना कर जोरा जोरी, ऐसी प्रीत मेरी है निगोड़ी चुलबुली, करे जो झक जोरी क्यों ना। अब पता तो चल ही गया कि स्पेशल मेंबर कौन था, हमारा दोस्त, हमारा यार, तो तेसी बॉम्ब एके प्रीतम चैटर्जी। तो चलिए अब लंच स्टार्ट करते हैं, बहुत जोर से लग गई थी भूख, अब खाना पीना स्टार्ट किया जाए। मैं खा मखा चला चला और बढ़ता गया, तो मारिए राह में साथ सांस लेता गया। आ गए गाइस, ये सामने आ चुका है, अभी क्या देख सकते हैं, ये सेल्फी स्टाइल का प्लेट भी दिया गया है। प्लेट देख के मैं ऑलरेडी फिदा हूँ और जो स्मेल आ रहा था फिदा। हमेशा नया नया चीजें ट्राई करना चाहिए, हमेशा नया नया चीजें ट्राई करना चाहिए। केचप के साथ क्रिस्पी चीज, मैं ऐसा कभी ट्राई नहीं करूंगा। ये क्रिस्पी बेबी कॉर्न का बेइज्जती है, ऑलरेडी मैंने एक मिस यहाँ फैला दिया है। क्रेजी पात्र आएगा और मिस ना हो ऐसा हो सकता है। आवाज सुनी, सुनाई दिया, इतना क्रंची है, लिटरली मस्त है, बहुत टेस्टी है, बहुत टेस्टी, रियली रियली क्रंची, मुंह में जाके जस्ट क्रंच के साथ घुल जाए, बहुत बढ़िया लग रहा है और टेस्ट पूरा पूरी प्रोपोर्शनेट है, केचप के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है। चलिए इसको खत्म करते हैं, उसके बाद ऑन टू द नेक्स्ट आइटम में मिलते हैं, बाय। कितना खिलाओगे देखो, मेरा हिस्सा खा जा रहा है ये लड़का, जल्दी करना होगा। अभी आ चुका हम लोग का नेक्स्ट आइटम, वो है आपका वेज चाउमीन, ठीक है। वेज चाउमीन के पीछे मेरा भी एक इतिहास है, मैं यहाँ पे अपने दोस्त के साथ आता था पहले, तो हमेशा क्योंकि वो द पर्सन वाज अ वेजिटेरियन सो वो यही मतलब प्रेफर करता है, हां द पर्सन यूज्ड टू ईट दिस वन, प्रेफर करते थे। मतलब जो देख रहा है वो समझ गया। ये है मेरे पास वेज चाउमीन और देख सकते हैं चाउमीन जो है एकदम पूरा गरम गरम दिख रहा है, पतला पतला नूडल्स है, ज्यादा बड़े बड़े स्ट्रैंगल्स नहीं है और वेजेस का संख्या मुझे बहुत ज्यादा दिख रहा है, बहुत दिखने में, और ब्लैक पेपर हल्का 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 दिख रहा है इसमें, बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। हम इसको ट्राई करते हैं एंड आई कांट वेट, ऑलरेडी प्रीतम ने खा ही लिया यार, ये हर बार मेरे साथ ही रहेगा, मेरा भूख नहीं मर रहा है खाने के लिए, इतना टेस्टी टेस्टी खाना मैं खाने के बाद। भाई वेजीज बहुत फ्रेश है, क्वालिटी एक नंबर है, एक प्लेट दो आदमी आराम से खा के पेट भरा सकता है, एक आदमी नहीं दो आदमी का बात कर रहा हूं मैं, मेरे जैसा, अगर इसके जैसा रहा तो एक ही आदमी। क्या सोच रहा है, देसी बॉम्ब ऐसे नाम पड़ गया इसका, इतना कम खाता है। प्रीतम एक बार आहा बोल दो ना, यू विल रिग्रेट दिस वन। वीडियो आप लोग देख रहे हैं ना, पता तो चल ही गया होगा क्यों। वंस मोर, चाउमीन इतना फ्रेश चाउमीन मैं मतलब बहुत कम जगह रखा है, इतना ऐसा लग रहा है जस्ट गरम गरम बना के दिया है, थोड़ा सा ये टोमेटो सॉस ऊपर से, टोमेटो चिली सॉस है वैसे जो बहुत ज्यादा यम्मी है। नॉर्मल जगह पे जो टोमेटो सॉस मिलता है वो पता नहीं कौन सा सॉस रहता है,
मुझे ज़्यादा समय पसंद नहीं आता। ये मैगी है, ये तो किसान है, कोई तरीका एकदम 100% क्वालिटी का पता चल रहा है इसमें। अब मैं अपना बेबी कॉर्न खत्म करता हूँ, फिर तो सब खा जाएगा। इधर दो लो, मैंने सब खा गया। लो लो बहुत लो, अम्मी जिंदा रहे, क्या याद रखोगे तुम। सो गाइस, बचपन में ना जाग गया, इतना बड़ा पिज़्ज़ा देख के बाद किसी ब्लॉग में पिज़्ज़ा खा रहे हैं, और वो भी इतना गरम गरम, इतना बड़ा देख रहे हैं, पूरा चीज मतलब चीज से भरा हुआ है, लिटरली चीज भर भर के चीज डाला है, ओरिगैनो और चिली फ्लेक्स थोड़ा डाल के हमेशा पिज़्ज़ा ऐसे ही खाते हैं। पिज्जा खाते हैं तो क्या होता है कि पिज्जा ठंडा हो जाता है, सागी हो जाता है, लेकिन यहाँ जो गर्म है भाई, I can feel the heat right from now, from here। ज़्यादा नहीं करते, अच्छा से रुक नहीं रहे। ओह क्या बात है रे, कौन पिज़्ज़ा, वाव कौन है, कैप्सिकम है, कैप्सिकम है, प्याज है, जो भी है वेज पिज़्ज़ा, जो भी है नाम आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, मैं भी भूल गया मैं क्या ऑर्डर किया। बहुत टेस्टी है भाई, बहुत टेस्टी है। चीज भूल गए क्या, चीज और क्रीम चीज भी साथ डाला गया इसमें, जो जो चीज लवर्स है, जैसे मैं बहुत बड़ा चीज लवर हूँ, मेरे लिए स्वर्ग है ये। इतना बढ़िया एम्बियंस में बैठ के इतना बढ़िया खाना खाने का तो मजा ही कुछ और है। आप लोग आइएगा ना मुझे, और अच्छा टाइम स्पेंड करते करते आप लोग खाइए। अच्छा आप लोग क्या पिज्जा में टोमेटो सॉस डाल के खाते हैं मेरे जैसे केचप? वो हाँ सर तुम खाते हो, चलो आई एम इन हेवन राइट नाउ। कौन है ना, इतना सॉफ्ट है, हल्का हल्का पॉप कर रहा है स्वीटनेस से कौन का, तो केचप अगर ऊपर से देते हैं तो केचप का टैंगीनेस एंड चीज का चीजीनेस, इट्स रियली गुड गुड। और जो प्लेट है एकदम फ्रेश है, एकदम फ्रेश है, मतलब ऐसा लग रहा है अभी बन के निकला है। ये हमारे गणपति का मेनू कार्ड, बहुत बड़ा मेनू कार्ड है, तो मैं चुप हो जाता हूँ। आप लोग प्लीज आराम से स्क्रीन पॉज पर पॉज कर करके देख लीजिए, बहुत सारा आइटम है, देख सकते हैं। मेनू कार्ड यहाँ पे खत्म हुआ, प्लस ये सब भी आइटम है आपका स्नैक्स में। सो गाइस, तो यही पे होता है हम लोग का वीडियो कंप्लीट। मैंने चौथा आइटम ऑर्डर किया था बर्गर, आई गेस इतना पेट भर गया कि और नहीं खाएगा। प्रीतम और खाएगा क्या? दिल पेट दोनों भर गया है, इतना बढ़िया बढ़िया खाना था। अच्छा आप लोग बता दो कि डिस्क्रिप्शन में आपको मेनू कार्ड का लिंक मिल जाएगा, तो जाके चेकआउट कर लीजिए। चलिए ज़्यादा बगर ना करके यही पे वीडियो कंप्लीट करते हैं। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक कर दिए, सब्सक्राइब कर दिए, एंड इंस्टाग्राम में जाकर फॉलोअप कर दिए, क्योंकि वहाँ पर लाइव अपडेट देते रहता हूँ मैं। एंड सही में लाइव अपडेट कर दिए थे लास्ट कुछ साल पहले चले मिलते भाई।